नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आप लोगों के बीच में हर वार्ड से कोई ना कोई प्रत्याशी का चेहरा सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं कि हरियाणा में पंचायती चुनाव पहले ही बहुत ज़्यादा देरी से हुए हैं और इसी के चलते जो बिगुल बज चुका है उसी के चलते हर हलके के हर वार्ड की अगर हम बात करें तो हर जगह जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं इलेक्शन फाइट करने के लिए, सभी अपनी ओर से जोरों शोरों से प्रचार करने में लगे हुए हैं। इस समय की तस्वीरें आपको वार्ड नंबर 13 के नाहरपुर गाँव से दिखा रही हूँ, जहाँ पर एक सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमेशा से हम लोग एक कहावत सुनते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जी हाँ, वार्ड नंबर 13 में प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15 संख्या में अपनी दावेदारी जताते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सहारनपुर से मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान जी आज यहाँ पर हमारे बीच पहुँच चुके हैं। मुस्लिम कौम से हैं और एक हिंदू का साथ देने के लिए वार्ड के लिए अपील करते हुए गाँव वालों के बीच में पधार चुके हैं और कहीं ना कहीं अब जाकर गांव वालों को राहत मिली है, क्योंकि जितना इस घड़ी का इंतजार 30 अक्टूबर का गांव वालों प्रत्याशियों को तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ गांव वालों का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बहुत लंबे समय से गांव वालों के अधूरे काम अधूरे पड़े थे, अब जाकर उन कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। तो आप देख सकते हैं फजलुर रहमान जी भी हमारे साथ यहाँ पहुंच चुके हैं, एक बार इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इन्होंने अपने प्रत्याशी को जो भाजपा से है बहुजन समाज पार्टी से उन्हें मैदान में रहा है, तो एक बार चुनावी मुद्दे जरूर इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो अपने चैनल पर आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय का कीमती समय आप हमारे चैनल यमुनानगर सिटी न्यूज को दे रहे हैं। तो सर, अपने प्रत्याशी को आपने किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतारा है? सबसे पहले तो मैं यमुनानगर सिटी जो न्यूज चैनल है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया कि हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें। अभी जो पंचायत का इलेक्शन हरियाणा के अंदर हो रहा है, उसी सिलसिले हम यमुनानगर के वार्ड नंबर 13 में कुछ लोगों को अपनी बात कहने के लिए यहाँ आए हैं, और हमारा सिर्फ मकसद यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क के अंदर जो नफ़रत का माहौल बना रखा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग सहारनपुर से चलकर यमुनानगर आए हैं। इस उम्मीद के साथ इसकी शुरुआत हम यमुनानगर में रहते हुए वार्ड नंबर 13 से करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सभी जात बिरादरी सभी मज़हब के लोगों एक साथ यहाँ रहते हैं, और उसी अपील के साथ हम लोग यहाँ आए हैं कि एक हमारा वार्ड नंबर 13 से ठाकुर समाज का अग्नि चौहान उम्मीदवार है, उसके अपील करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग सहारनपुर से चलकर यहाँ आ रहे हैं, और ये जो उम्मीदवार हैं ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाईचारे की मिसाल इससे अच्छी और नहीं हो सकती, और भाईचारा जितना मजबूत होगा उतना ही जल्दी से जो नफ़रत की दीवारें भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की हैं उसको गिराने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। मेन एजेंडा हमारा यही है, लेकिन हम इसके साथ ये भी चाहते हैं कि जो हमारे उम्मीदवारों को आप लोग कामयाब बनाएंगे और हमारे इस ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे वो विकास भी करने का काम करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इन इलाकों में विकास होगा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विकास करने से परहेज़ करती है। अग्निवीर सिंह का आप जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए इतनी दूर से आए हैं, आप तो सहारनपुर के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में जनता की समस्याओं का समाधान करने का जो फैसला उन्होंने किया है, उन फैसले के ऊपर जो है खरे उतरेंगे या पासा पलट लेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भगा देंगे उस दिन ऑटोमेटिकली विकास सभी लोगों का शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन लोगों का विकास करती है जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो जीतने के बाद और लोगों को भूल जाती है, एक पर्टिकुलर लोगों का विकास करती है जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों का मकसद यह है कि सर्व समाज का विकास होना चाहिए और आपस में भाईचारा भी मजबूत होना चाहिए, हमारा उद्देश्य है। सर, आपसे भी बात करना चाहेंगे, अक्सर देखा गया जब इलेक्शनों की घड़ी नज़दीक आती है तो जनता कहती कुछ और करती कुछ है, वोट किसी और को देती है लेकिन विचार किसी और का बनाती है, क्या लगता है जिस प्रत्याशी को आपने बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतारा है आने वाले समय में गांव वाले उन्हें भारी मतों से विजयी करेंगे, क्या लगता है? देखिए, 100% विजयी होंगे
और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वार्ड नंबर 13 पे अग्नि भाई चुनाव भी जीतेंगे और हम लोग ज़िले में अपना बोर्ड भी बनाने का काम करेंगे। अब इसका एग्जांपल हमारे सामने फजलुर रहमान साहब हैं, एमपी हमारे सहारनपुर के हैं, सर्व समाज का वोट मिला और चुनाव जीते। उसी तरीके से आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, समूचे 36 की 36 बिरादरी यहाँ खड़ी है, जो जिसके साथ 36 बिरादरी होगी तो चुनाव वैसे ही जीत गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चुनाव भी जीतेंगे और वोट भी बनाएंगे। तो यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आने वाले इलेक्शनों के लिए गाँव वालों को, वार्ड नंबर 13 की जनता को क्या अपील करें? देखिए, हम सब लोग सहारनपुर से चल के आए हैं और यही अपील करना चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को, मैं भाई को बुलाना चाहूँगा, एक मिनट आ जाएं अग्नि भाई, हमारे प्रत्याशी हैं अग्नि भाई, इन्हें भारी से भारी वोट देकर चुनाव जिताएं और ज़िले पर बसपा का वोट बनाने का काम करें, यही हमारा अनुरोध है। तो अग्नि विजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 30 अक्टूबर की घड़ी तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, आपसे ज़्यादा इंतजार तो शायद गांव वाले कर रहे हो उस घड़ी का, क्योंकि अधूरे कामों को पता नहीं कौन सा प्रत्याशी जो है वो पूरा कर दिखाएगा, ये तो खैर जनता ही जानती है या ऊपर वाला ही जानता है, फिर भी क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ, जैसे कि एमपी साहब ने और भाई ने बताया आपको, मैं तो सिर्फ सेवा करने के उद्देश्य से इलेक्शन में उतरा हूं और सेवा ही करना मेरा एकमात्र एम है। बस उसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम दूंगा और 30 तारीख को इलेक्शन देकर मैं यही अपील करूंगा कि हिंदू मुस्लिम को छोड़कर भाईचारे को अपनाएं और बस वोट देकर विजय बनाएं। धन्यवाद।